नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है दान। आमतौर पर जब हम मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या फिर रेगुलर यूज़ में हम लोगों की आदत होती है कुछ लोगों की कि वो दान करना बड़ा पसंद करते हैं। वैसे तो दान का एक नियम है कि जब राइट हैंड से दान किया जाता है तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं होना चाहिए कि दान किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि दान करने से क्या वाकई में आप लोगों को फ़ायदा होता है? ज्योतिष में दान करने का क्या विधान बताया गया है? किन लोगों को दान करना चाहिए? दान का महत्व क्या है? इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य लोकेश ढमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, दान को लेकर ना बहुत सारे सवाल हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किए हैं और जब हम सवाल ये बना रहे थे तो सोचा भी नहीं था कि दान किस इस तरह से इफेक्ट भी कर सकता है लोगों की लाइफ में। लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल हुआ है कि दान क्या है और इसका महत्व क्या होता है? दान का मतलब होता है देने की क्रिया, यानी कि जब हम कोई वस्तु या कोई सामान, कोई चीज़ किसी को देते हैं उसको दान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के और हमारी हिंदू सभ्यता में भी दान को बहुत प्रथम स्थान दिया गया है। कहते हैं अगर आप समर्थवान हो, आपके पास सब चीज़ है, तो आप अपने अंश का कुछ थोड़ा सा पार्ट अगर किसी को देते हो और उसके काम आता है तो आपके बहुत सारे अशुभ कर्म भी माफ़ हो जाते हैं। ऐसी एक धारणा बनी हुई है और दान देना भी चाहिए। हमारे कर्मकांड में पिंड दान आपने देखा, हर चीज़ में हम सुबह खाना बनाते हैं तो पहले गाय के लिए रोटी निकालते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं। एक छोटा बच्चा भी स्टार्टिंग से लेके चीज़ समझता है कि दान का बहुत एक महत्व है। और दान देने से आप क्या करते हैं, अपने जीवन में अगर कुछ कर्म अच्छे नहीं किए तो उनका एक तरीके से आप भुगतान कर देते हैं। अच्छा, आपने दानवीर कर्ण और इन सब की स्टोरी सबने सुनी है। तो दान का महत्व यही है कि आप दान जरूर करना चाहिए और दान इस तरीके के करें कि किसी को पता नहीं लगे, ताकि आप अपने अशुभ कर्म अगर काट रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं तो जताने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसका फल फिर वहीं पे ही कहीं ना कहीं कम भी कम हो जाता है। अच्छा, ज्योतिष के अगर मैं बात करूं तो क्या दान के माध्यम से कुंडली में जो दोष मौजूद हैं उनको दूर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो ग्रह आपके बहुत पावरफुल हैं, इसका मतलब वो एनर्जी आपके पास बहुत मात्रा में ईश्वर ने दी है। और हमारा सब कुछ एक एक मिनट, एक एक सेकंड ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से चलता है। मेरी बहुत वाद विवाद हुई कई सम्मेलन के अंदर, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो कोई रिक्शे वाले के घर नहीं होता और कोई टाटा अंबानी के घर नहीं होता है। कुछ ना कुछ चक्कर तो है कर्मों का और डेस्टिनी कहीं ना कहीं काम करती है। लेकिन ज्योतिष में क्या रखा है, आपकी नो एनर्जीज जो नो ग्रहों के रूप में आपको मिली हुई है, अगर आपकी पावर बहुत स्ट्रांग है और अगर आप उसको डिसॉल्व कर देंगे तो आपने अपना एनर्जी खराब कर दिया। और अगर आपकी एक पावर बहुत वीकर है, यानी कि प्लैनेट बहुत नेगेटिव है और अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसको मनाने के लिए, उसको प्रे करने के लिए कि हमें ऐसा दिक्कत नहीं आए, उसकी डोनेशन आपको करनी चाहिए। बट देखना चाहिए सोच समझ के। और रेमेडीज के अंदर, यानी कि अगर हम बात करते हैं उपाय शास्त्र की, तो दान को सर्वप्रथम बोला गया है। यानी कि दान के जरिए हम अपनी कुंडली के वो चीज़ें भी ठीक कर सकते हैं जिनके प्रभाव हमें दुष मिल रहे हैं, खराब मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कहीं जगह पर, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था प्रोग्राम की, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि भाई हमने ये दान किया तो हमारा ऐसा हो गया, तो क्या दान नेगेटिव फल भी दे सकता है? हाँ, दान नेगेटिव फल भी बहुत देता है। पहले तो इसको साधारण ही समझते हैं, यानी कि आप मंदिर के बाहर जा रहे थे और आप बिल्कुल ईश्वर की प्रे कर रहे हैं और आपके मन में आया बेचारे गरीब लोग बैठे हुए, इन्हें कुछ दान कर देना चाहिए, वस्त्र दान कर दें, कपड़ा दान कर दें। शास्त्र में 5 टाइप के दान सबसे प्रमुख माने गए हैं, भूमि का दान, अन्न का दान, गऊ का दान, कन्या दान और विद्यादान। विद्यादान तो आज की डेट में सबसे सर्वोपरि हो गया है। तो ये दान है, और भी बहुत सारे दान हैं, लेकिन 5 दानों को सर्वश्रेष्ठ भूमि का दी गई है। अब आपने क्या किया, कोई नशा करता है बहुत ज़्यादा, मार पिटाई करता है, लड़ाई करता है और वो बैठा हुआ है इनोसेंट बनके, और आपने उसको कुछ बहुत अच्छी एक रकम डोनेट कर दी, आपका मन किया, उसने क्या किया, फिर ड्रिंक करी और शराब का सेवन किया और घर में जाके मारपीट करी और नशे के अंदर उसने ऐसा काम कर दिया कि किसी की हत्या कर दी या बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। तो देखिए, आपका किया हुआ दान अल्टीमेटली नुकसान बन गया, यानी कि आपने तो अच्छे कर्म के लिए किया था लेकिन वो व्यक्ति दान के लायक नहीं था,
या उसको चीज की समझ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो कर्मों के फल में आपके लिए भी कर्म जुड़ जाएगा। इसी चीज को अब ज्योतिष में देखिए। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे कुछ सितारे उल्टे हो गए, काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो जब हम कंसल्टेशन करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कोई मंदिर में मूर्ति वूर्ति तो नहीं बनवाई, या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कुछ हेल्प तो नहीं किया। अभी तो बहुत अच्छी बात है, धर्म कर्म के काम में सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर, मंदिर के अंदर, अस्पताल के अंदर अगर कुछ योगदान किया तो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। तो जिस प्रकार एक अच्छे व्यक्ति को दान देना बेनिफिट देता है और गलत व्यक्ति को दान देना बेनिफिट नहीं देता, सेम उसी प्रकार हमारी कुंडली में भी दान देने से पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस और सावधानियां रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि दान मत कीजिए, आप संपन्न है, सामर्थ्यवान है, ईश्वर ने आज आपको ज्ञान दिया है तो आप ज्ञान का दान कीजिए, ईश्वर ने आज आपको धन दिया है तो आपके धन से अगर किसी को मदद मिलती है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन आप कुंडली को देख के अगर करेंगे तो उससे बेनिफिट भी उठा लेंगे। तो हर प्रकार का दान कुंडली में। अच्छा, अब आपकी बातें सुनने के बाद ना लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दान करूं या ना करूं। दूसरी बात, चलो ठीक है, वो तो आपने बोला है कि कुंडली से देखकर पता चल जाएगा, अब जिनकी कुंडली नहीं है वो क्या करेंगे? जिनकी कुंडली नहीं है उनको जो स्पेसिफिक दान होते हैं, जैसे मुझे ये वाला दान करना है या मंदिर का निर्माण करना है, ये सब करना है, ये फिर भी हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से या कुछ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और जिनके पास अपना मतलब डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा जजमेंट ले सकते हैं कि हमें किस वस्तु का दान करना है और किस वस्तु का दान नहीं करना। और मैं तो ये कहूँगा, आपके पास जो एनर्जी बहुत पावरफुल है उसको संभाल के रखिए, वो लॉटरी देने के लिए आई है। आप उसको खाली कर रहे हैं डोनेशन में तो दिक्कत देगा। और आपके पास जो एनर्जी बहुत खराब है उसका डोनेशन कीजिए, इतना डोनेशन कीजिए कि वो बेचारा ग्रह का लॉर्ड आपसे खुश हो जाए और आपको आशीर्वाद। इसको एग्जांपल के तौर पर समझाइए हमें, जो आपने बोला है। एग्जांपल जैसे कुछ सूत्र होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, हम उसके बेस पे प्लान कर सकते हैं। आपको कुछ कुंडली के सूत्र बताते हैं तो दर्शक अपनी अपनी कुंडलियों में वो एग्जांपल देख भी सकते हैं। जैसे किसी का बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के जन्म कुंडली के सातवें घर में है, आप किसी भी ऐप से कुंडली बनाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस डालिए, आपके पास एक लगन कुंडली तैयार हो जाएगी जिसको टेवा बोलते हैं, पत्री बोलते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं। अगर जुपिटर प्लैनेट यानी कि बृहस्पति आपके सातवें घर में आ गया तो अब आपको कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप कपड़ों का दान करेंगे तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। आपको घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको घंटियां बजानी है, आपको जोत जलानी है, आप मेडिटेट कीजिए, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप पूजा करेंगे तो वो प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। सारे सूत्र तो नहीं, एक आध लॉजिकफुल आपको समझा देते हैं। सातवां घर हमारा बेडरूम का होता है, सातवां घर हमारा शादी का होता है, सातवें घर का मालिक शुक्र होता है, और शुक्र ग्रह बृहस्पति का बिल्कुल एंटी है, यानी कि शत्रु ग्रह। बृहस्पति एक गुरुओं की एनर्जी है और शुक्र भौतिक विलास की एनर्जी है। अब आपकी कुंडली में ईश्वर ने जुपिटर को, बृहस्पति को आपके एक तरीके से सातवें घर में डाल दिए, तो जितना आप बृहस्पति को बलि करेंगे यानी कि पुण्य के काम करेंगे, दान करेंगे, आपका शुक्र खराब हो जाएगा और मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, आप अच्छा करने निकले थे लेकिन हुआ क्या, आपके साथ उल्टा हो गया। तो अब हम ये नहीं करें, आप और दान कीजिए, आप खाना खिलाइए, किसी का कुछ इस्तेमाल कीजिए, आप किसी को गिफ्ट कीजिए, लेकिन कपड़ों का दान आपको अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कपड़े क्या करें भाई, किसी के काम आ जाएंगे, इतना अच्छी बात है हमारे इतने कपड़े होते हैं काम आ जाएं। तो आप जब भी कपड़े देते हैं, आप दे सकते हैं, आप उसके बदले में उससे कुछ पैसे मांग लीजिए। आप उसको बोलिए जी 5 रुपये दे दीजिए, 1 रुपये। अब आप किसी को कोट पेंट दे रहे हैं पुराना, 5 रुपये का तो नहीं होता, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक ऐसा कर्म कर दिया कि आप उसको बेच रहे हैं, और आपका मन जानता है कि मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं तो एक तरीके से डोनेट कर रहा हूं। तो आपने एक रेक्टिफिकेशन भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया, एक टोटका टाइप का, टोटका टाइप भी हो गया। ऐसे बहुत सारे सूत्र भी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जो विशेष सावधानियां आप उसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होंगी। चलिए आपको कुछ मेन बताते हैं। चंद्रमा जिनकी कुंडली के छठे घर में आ जाए, यानी कि हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं और छठे घर के अंदर जिनका भी चंद्रमा आ जाए, उनको पानी का, दूध का दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। जैसे आपने देखा निर्जला एकादशी के समय छबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, सब अच्छा है, पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है,
लेकिन जिनका चंद्रमा 6 के अंदर है यानी कि 6ठे घर में है, अगर उन्होंने पानी का दान किया तो कहते हैं उनके घर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ये सूत्र जो है ना, आप विश्वास कीजिएगा, ये इतने प्रमाणिक सूत्र हैं कहने के अंदर, आप कुंडली में देखेंगे तो आपको मैच करेगा। लेकिन शमशान के अंदर और अस्पताल के अंदर अगर आप पानी की किसी को मदद करते हैं तो कोई बहम नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि आप उनको पिला सकते हैं। अच्छा। तो अब आप कुछ भी डोनेट करना चाहे कीजिए, लेकिन जिनका चंद्रमा 6ठे घर के अंदर है वो पानी का अपना दान, चावल का दान और दूध का दान, चांदी का दान अवॉइड कीजिए। और अगर चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं तो आजकल कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं कि आपकी सारी परवरिश हम लोग करेंगे, तो जिनका शुक्र 9वें घर में हो यानी कि वीनस प्लैनेट कुंडली के 9th हाउस में हो, उनको बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं उनकी अपनी मिट्टी खराब हो जाएगी। अब देखिए, शुक्र 9 वाले को क्या पानी पिलाए, पानी का दान कर सकता है, कर सकता है, पड़ेगा कर सकता है, कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह रिस्ट्रिक्शन है, बट हर प्लैनेट के लिए कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है। तो वीनस जिसका 9th हाउस में हो उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो बच्चों का बच्चों को गोद नहीं ले और उनका एक तरीके से अडॉप्शन का क्रिया नहीं संभाले। किसी का गुरु 8वें स्थान में हो, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। गुरु 8वें स्थान वाले को पीपल की सेवा करनी चाहिए, खासतौर पे शमशान के बाद जो पीपल स्थान होता है उसकी सेवा करनी चाहिए, और चने की दाल को मंदिर में पहुंचाना चाहिए। उसके लिए डोनेशन के लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। चलिए, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कुछ और भी आपको बताते हैं। जिनका बृहस्पति 10वें घर में हो और चंद्रमा 4थे घर में हो, ये कॉम्बिनेशन है यानी कि कुंडली में दोनों चीज ऐसे पाई जाएंगी। कहते हैं इन्होंने अगर मूर्ति लगवाई मंदिर के अंदर तो इनके घर के इतने बुरे हालात हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, और कहते हैं फांसी तक की सजा मिलने के चांसेस बनते हैं। फांसी तक का मतलब हो गया कि लिटिगेशन या मुकदमेबाजी हो जाएगा। हमने तो कई बार ये भी देखा कि ग्रह चलायमान होते हैं, चलते रहते हैं, तो कभी वर्षवल में अगर ये सिचुएशन आ जाए तो मैं तो ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भी मना कर देता हूँ। वो बोलते हैं कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो कहते हैं यार इस साल अवॉइड कर लो, अगले साल चले जाना, क्योंकि आने के बाद परिणाम उल्टे मिलेंगे। और जब सैकड़ों पत्रियों में लगाया ना तो ये चमत्कार दिखा। और भी एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं। जिनका शनि 1ले घर में है और बृहस्पति 5वें घर में है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन है, इनको तांबे के सामान, तांबे के बर्तन, तांबे के गिफ्ट नहीं देने चाहिए। एक बहुत बड़े कॉरपोरेट गुड़गांवा में है, हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा था उनका, MNC टाइप काम है, तो दिवाली पे वो गिफ्टिंग करते हैं और अच्छी, मतलब हजारों की तादाद में करते हैं। तो उनका ये कॉम्बिनेशन कुंडली में था और तांबे के सामान का उन्होंने बड़ा अच्छा सा दिया और ये सब बना बना के गिफ्टिंग किया। और नेक्स्ट ईयर जब आए तो हमने तो एक सिम्टम होता है, पूछना पड़ता है कि कोई गिफ्टिंग तो नहीं किया, कहते लास्ट ईयर ही गिफ्टिंग किया है, और विश्वास नहीं करेंगे, उनके बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम है कहने के। अब उनको अगर वो सजेशन पहले ले लेते तो हम बोलते कपड़ा कर दो, ये चीज़ कर दो, कुछ भी कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, लेकिन आपने ये वाला दान नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम बना लेते हैं कि आपको नहीं करना है। फॉर्मूला ये है कि जो आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं यानी कि उच्च के ग्रह हैं उनकी आपको डोनेशन नहीं करनी, और जो आपकी कुंडली के नीच ग्रह हैं, निम्न ग्रह हैं, उनकी आप भरपूर डोनेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ कॉमन दान ऐसे हैं जिनको करने ना करने से कोई इतना फर्क ही ना पड़े, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही दें वो। जैसे आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाना बहुत उत्तम है, हमारा शुक्र भी भली होता है, हमारा सूर्य भी अच्छा हो जाता है। आप कुत्तों को रोटी देते हैं तो हमारा केतु राहु ठीक हो जाता है, कहते हैं राहु और केतु ठीक हो जाए तो हमारी कुंडली वैसी बैलेंस हो जाती है सारी। कौओं को देने से हमारे पितरों का, शनि का एक प्रभाव हमें कम मिलता है। तो आप ये वाले डोनेशन किसी को मदद करें फीडिंग कराने के लिए आप करा सकते हैं। जिनका काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चलता या कैरियर स्टेबल नहीं होता, कई बार होता है ना ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, कभी जॉब छूट जाती है, बिजनेस में दिक्कत आती है, उनको समझाते हैं कि आपकी कुंडली का जो 10वां घर होता है वो कर्म स्थान होता है, यानी कि आपका सारा का सारा काम कर्म स्थान से निकलता है। और ईश्वर ने एक ही घर ऐसा दिया जिसको आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 घर फिक्स्ड है, लेकिन कार्मिक थ्योरी आपके हाथ में है कि आप काम किस तरीके से करते हो। यदि वहां पर 2 शत्रुग्रह या 2 से ज्यादा शत्रुग्रह आ जाते हैं तो इसका मतलब अब आपका जो कुंडली बन जाएगा ना वो ब्लाइंड होरोस्कोप बन जाएगा। ब्लाइंड होरोस्कोप का मतलब हो गया अब आपको नजर नहीं आ रहा क्या करना है। तो ऐसे समय एक रेमेडी आपको बताते हैं कि 10 ब्लाइंड मैन को आप खाना परोसी और बाद में आप इमरती मीठी, वो शनि के उसमें आती है, उसको आप परोस सकते हैं मीठा। तो आप 10 ब्लाइंड मैन को बैठाइए और उनको खाना परोसिए और हर बर्थडे पे ये वाला काम कीजिए।
जिनकी कुंडली में दोष है एवरी मंथ कीजिए, विश्वास कीजिए ब्लाइंड होरोस्कोप का ये बहुत बड़ी काट है। ईश्वर कितनी मदद करेगा वो तो वो जाने, लेकिन आपने अपने कुंडली के जो ग्रह हैं उनका आपने उपाय कर दिया। कई बार क्या सिचुएशन होती है कि 20 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, आप किसी ब्लाइंड स्कूल में गए वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो अब आपको तो 10 को परोसना है, तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने किसी दोस्त को साथ ले जाइए, 10 को आप परोसिए, बाकियों को वो परोस देगा। और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो ईश्वर से प्रे कीजिए, शनिदेव से, क्योंकि वो घर शनिदेव जी का है और शनिदेव को कर्म फलदाता बोला गया है। हमें जितना भी धन धान्य सामान सब मिलता है सब शनिदेव जी के माध्यम से मिलता है, क्योंकि 10वें घर को वो रूल करते हैं, तो उनसे प्रे कीजिए, जाने अनजाने जो गलती हुई हमें क्षमा करें, क्योंकि उनके पास क्षमा देने का ही डिपार्टमेंट है। हम उनसे गाड़ी मांगेंगे ना तो नहीं देने वाले, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। तो जिनकी भी कुंडली के 10वें घर में 2 या 2 से ज़्यादा शत्रु ग्रह हों, वो 10 ब्लाइंड मैन को खाना खिलाते हैं तो उनका रेमेडी भी हो जाएगा और एक तरीके से दान पुण्य वाला भी काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ना मीठे का कम नमकीन का दान ज़्यादा करते हैं। हाँ, जैसे हमने एक लास्ट एपिसोड में मंगल बत किया था। हाँ। तो जिनकी भी कुंडली में मंगल बत के सिम्टम होते हैं, यानी कि कोई भी खुशी मनाने चलते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है, हमने डिस्कस भी किया था, तो जिनका भी कुंडली में मंगल बत हो, मंगल केतु हो, मंगल बुध की युति हो, तो ऐसे लोगों को मीठा नहीं बांटना चाहिए, ऐसे लोगों को नमकीन बांटना चाहिए। और बच्चों के बर्थडे जो केक कटवाते हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। तो मंगल बत एक्टिवेट हो जाता है तो घर में फिर कलह कलेश और ये प्रॉब्लम, क्योंकि केक के रूप में मीठा मीठा भी हो जाता है और शास्त्रों के हिसाब से जो प्लेनेट के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो मंगल बत को एक तरीके से रूप दे देता है, तो हमें उसकी काट करनी चाहिए। चलिए, बाकी तो मुझे लगता है आप लोगों के मन में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पेशली आपके लिए क्या उपाय, आपके लिए कौन सा दान है, तो आप आचार्य जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे फ़ोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे बीच बीच में मैं ये बात बताती ही हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो क्लासेस लगातार जारी रहती हैं, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन रही बात उपायों की, रही बात कुंडली के विश्लेषण की, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यही नंबर देंगे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दान को लेकर जो इम्पॉर्टेंट बातें थी, जो हमारे लिए जाना जरूरी थी, वो आज आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।